वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा देश और प्रदेश को कुछ नहीं दिया। ये तुष्टिकरण के आधार पर चलते हैं, ये जनता है, सब कुछ जानती है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टिकरण के आधार पर चलते हैं। ये ने जो भ्रष्टाचार तुष्टिकरण के आधार की एक सरकार, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थे उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी छोटी घोषणाएं की हैं, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को जहां हम जा रहे हैं बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की हैं और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है और घोषणाओं के अंबार लगा दिए।